आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, ऐसी अनजानी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ तिल से बने पकवान खाने और दूसरों की पतंग काटने के लिए नहीं है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अलावा सेहत और आम रहन सहन से भी इसका नाता है। यह आस्था का केंद्र भी है। कटाई का मौसम इसी के साथ आता है, इसे किसानों से जोड़कर भी देखा जाता है। तो हम मकर संक्रांति से जुड़ी ऐसी सात बातें आपको बताने जा रहे हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व साबित करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए। हम आपको बता दें कि मकर एक राशि है और सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। इस त्यौहार के साथ ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे इसे यह नाम दिया गया है। यह इकलौता एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल एक ही तारीख पर आता है। दरअसल यह सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है। दूसरे त्यौहारों की गणना चंद्र कैलेंडर यानी चंद्रमा के स्थान के आधार पर होती है। यह साइकिल हर 8 साल में एक बार बदलती है और तब यह त्यौहार एक दिन बाद मनाया जाता है। कई जगह यह गणना की गई कि 2050 से यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा और फिर हर 8 साल में 16 जनवरी को। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति पर रसोई में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाने की परंपरा है और इसके पीछे बीती कड़वी बातों को भुलाकर मिठास भरी नई शुरुआत करने की मान्यता है। अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो तिल के सेवन से शरीर गर्म रहता है और इसके तेल से शरीर को भरपूर नमी भी मिलती है। भारत के साथ दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग विधियों के साथ मनाया जाता है और देश के अधिकतर हिस्सों में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हालांकि तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में माघी, असम में बिहू और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं। इस त्यौहार को नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका आदि जगहों पर भी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार सेहत के लिए भी कई तरीके से फायदेमंद है। सुबह सुबह पतंग उड़ाने के बहाने जो धूप शरीर को लगती है उससे भरपूर विटामिन डी मिलता है। इसे त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सर्द हवाओं से होने वाली कई समस्याओं को दूर करने में यह मददगार होती है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के साथ तीर्थ की शुरुआत भी होती है और उत्तर प्रदेश में इसी के साथ कुंभ मेला शुरू होता है, जो केरल में शबरीमाल। इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो यह सर्दी के मौसम का बीतने का सूचक भी है। मकर संक्रांति पर दिन व रात बराबर अवधि के माने जाते हैं और इसके बाद से दिन लंबे और मौसम में गर्माहट होने लगती है। इसके बाद कटाई या वसंत के मौसम का आगमन मान लिया जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और हमने आपको बताई मकर संक्रांति के बारे में कुछ अनजानी बातों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।